हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टुडेज वीडियो नंबर 13। इट इज़ ऑन क्रेडिट कार्ड टिप्स। क्रेडिट कार्ड बहुत लोग यूज़ करते हैं, पर आप अगर यूज़ करना चाहें तो ये ध्यान में रखें, अगर आपकी एक्सपेंसेस जो हैं आपके कंट्रोल में है फिर इसको यूज़ करिए। अगर आपको लगता है एक्सपेंसेस पे आप कंट्रोल नहीं कर पाते तो कभी भी क्रेडिट कार्ड यूज़ ना कीजिए। अगर क्रेडिट कार्ड है भी तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। एक्सपेंसेस कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हुए कौन से टिप्स आपने ध्यान में रखने, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। पहले बात ये समझिए कि क्रेडिट कार्ड इज़ ए शॉर्ट टर्म लोन। थोड़े समय के लिए बैंक आपको लोन दे रहा है, उस पर ब्याज लगता है। पहले कुछ दिन तो इंटरेस्ट फ्री रहता है। अगर आप ड्यू डेट पे नहीं करते तो आपको पता है 2% से 3% तक पर मंथ, दैट मीन्स 24-36% पर एनम ब्याज लगता है, जो बहुत ज़्यादा। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो जो फ्री पीरियड है जिस पे इंटरेस्ट नहीं लगता, और सिर्फ उतने दिन के लिए यूज़ कीजिए, उसके बाद ड्यू डेट पे कर दीजिए। नंबर दो, याद रखिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड ढंग से यूज़ नहीं करेंगे तो आपका सिबिल स्कोर ख़राब हो जाएगा। सिबिल स्कोर काम आता है जब आपने बैंक से लोन लेना हो, तो कई बार बैंक लोन मना कर देते हैं अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से नीचे हो, तो बहुत ढंग से यूज़ कीजिए। नंबर थ्री, जो ड्यू अमाउंट है फुल अमाउंट पे कीजिए। उसमें ऑप्शन होता है पार्ट अमाउंट पे करने का। अगर पार्ट पे करेंगे तो बाकी के अमाउंट पे बहुत ज़्यादा ब्याज लगेगा, तो ऑलवेज पे फुल अमाउंट ऑन ड्यू डेट। नंबर फोर, जब आप अप्लाई करते हैं कार्ड, उसको ध्यान में रखिए, अपना लाइफ साइकिल जो आपका है, जो आप अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो ट्रैवलिंग वाले कार्ड यूज़ कीजिए। अगर आप कुछ परचेजिंग उसकी ज़्यादा करते हैं तो उस हिसाब से कार्ड लीजिए। नंबर फाइव, एनुअल फ़ी कुछ बैंक लेते हैं, ज़्यादातर बैंक एनुअल फ़ी नहीं लेते, तो अगर कोई एनुअल फ़ी लेते हैं तो आप उनसे नेगोशिएट कीजिए। ये नेगोशिएट हो जाती है, अगर कोई बैंक चार्ज कर रहा है आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हो सकता हो बिल्कुल वेव कर दें, एनुअल फ़ी नहीं देनी पड़े। नंबर सिक्स, जितनी आपकी लिमिट है क्रेडिट कार्ड की तो पूरी यूज़ मत कीजिए। आइडियली थंब रूल है 30% यूज़ कीजिए। अगर आपकी लिमिट 1,00,000 है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 30,000 तक यूज़ करेंगे तो आपका सिबिल स्कोर जो है, क्रेडिट रेटिंग है, वो अप चली जाएगी। अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे, पूरा यूज़ करेंगे, तो क्रेडिट स्कोर आपका डाउन चला जाता। नंबर सेवन, कैश कभी विड्रॉ ना कीजिए। क्रेडिट कार्ड पे कैश विड्रॉ करेंगे तो पहले दिन से ब्याज लगेगा, इसमें फ्री पीरियड नहीं होता, तो कैश विड्रॉ नहीं करना। नंबर एट, एक ही कार्ड रखिए। मैं एडवाइस करूँगा कि जनरली एक कार्ड रखिए। अगर आप एक कार्ड रखेंगे, एक साल बाद, दो साल बाद उसको आप अपग्रेड कर सकते हैं, उसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल सकते हैं। अगर बहुत सारे कार्ड रखेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर डाउनग्रेड हो जाएगा। बहुत सारे कार्ड यूज़ नहीं करने, ये मेरा नाइन्थ टिप है। 10 और लास्ट टिप है, मैंने देखा रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं कार्ड्स पे, पर बहुत सारे लोग, रिसर्च भी ये बताती है, अप्रॉक्सीमेटली 50% लोग अपने रिवार्ड पॉइंट यूज़ नहीं करते, वेस्ट हो जाते। तो रिवार्ड पॉइंट अर्न करने का क्या फ़ायदा हुआ, तो रिवार्ड पॉइंट भी ज़रूर यूज़ कीजिए। तो इन अगर 10 टिप्स का आप ध्यान रखेंगे तो क्रेडिट कार्ड यूसेज में आपको बेनिफिट होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस YouTube चैनल IPB के जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, आपको अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।